तुहिन सेना बोलिए भाई, अगस्त में आपकी सरकार गिरने जा रही है और आलोक जी कह रहे हैं हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट है, आपके सहयोगी डरे हुए हैं, कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। देखिए मानक जी, 4 जून के बाद ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और केवल बहकी बहकी बातें कर, तो कभी कहते हैं कि अनैतिक सरकार है, कभी कहते हैं अगस्त में गिरेगी, कभी कहते हैं प्रियंका गांधी अगर लड़ती मोदी जी के खिलाफ तो मोदी जी हार जाते। अरे किसने रोका था प्रियंका गांधी को? सब निर्णय तो गांधी परिवार ही लेता है ना। तो आज ये कह रहे हैं कि अगस्त में गिरेगी, लेकिन मैं आपको तथ्य बता दूं कि पिछले 3 दिन में जो लोग उदार होकर एक बार कांग्रेस को मौका देना भी चाहते हो, जिन्होंने वोट करके कांग्रेस को 99 सीट दे भी दी, वो भी कांग्रेस के व्यवहार से इतना निराश है, विशेष तौर पर 2 बातों से, जिस प्रकार से आर्मी को लेकर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया है, और दूसरा जिस तरह से पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे उस वक्त जिस तरह से वो लोगों को प्रोवोक करके वेल ऑफ द हाउस में जाने के लिए कह रहे थे, उससे लोग इतना निराश है कि आज जो है अगर चुनाव वाकई हो जाए तो कांग्रेस को वापस जो है वही हालत होगी कांग्रेस की जो 2019 में थी। तो सपने देखने पे देखिए कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है नहीं, और इस बार भी निर्मला जी कोई टैक्स नहीं लगाने वाली है सपने देखने में, तो कांग्रेस ही जो है अगले 5 साल तक सपने देखे। बल्कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी चुनौती परसों दे दी है इनको कि वाकई एक तिहाई प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अगले 20 साल तक एनडीए का ही युग होगा, एक बार हमने अपने लेसन सीख लिए हैं, अब जो है इनको अगर ये अपने लेसन नहीं सीखे तो दोबारा इनकी वही हालत होगी जो 2019 में। अच्छा, अब तुहिन देखिए आपने आसान सवाल का जवाब आसानी से दे दिया, लेकिन जो आपके सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट खड़ी है उस पर आप नहीं बोले। जेडीयू ने अभी कुछ ही दिन पहले 3-4 बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी, अब टीडीपी ने भी अपनी डिमांड्स रख दी, बताइए अब आप उनको खारिज नहीं कर सकते, आपको उनकी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। ना तो हम कांग्रेस पार्टी की तरह फेक प्रॉमिसेस करते हैं कि कुछ भी प्रॉमिस कर दिया, और ना ही हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है, हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है वो इनके अलायंस पार्टनर्स की तरह स्वार्थी है। हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है निश्चित रूप से हर राज्य की अपनी मांगे होती है और बहुत सारी मांगे जो है उसमें जायज भी होती है, लेकिन हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है सबसे पहले राष्ट्र प्रथम उनके लिए होता है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी वो किसी प्रकार का दबाव किसी भी अलायंस पार्टनर्स ने बनाया है हमारे। देखिए जो विशेष राज्य का दर्जा होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। 69 फाइनेंस कमीशन जो 1969 में फाइनेंस कमीशन ने पहली बार इसका प्रावधान लाया था और उसके उपरांत बहुत सारे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं विशेष राज्य का। आपके गले में शायद कुछ अटक गया, आप सांस लेना चाहें तो मैं बाकी मेहमानों के पास जा सकता हूं। ओके।